नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको रेलवे का जो 18वां जोन जो बनाया गया है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स करंट अफेयर का जो वेटेज है, चाहे SSC हो, चाहे PSC हो, चाहे UPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जो रेलवे के जो एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो JEE हो या फिर NTPC के थ्रू जो 1,30,000 जो वैकेंसी निकली हो वो हो, उस उन एग्जामों में करंट अफेयर का वेटेज रहता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना इस जो रेलवे का 18वां जोन जो बनाया गया है उस पर बात की जाए। तो रेलवे का जो 18वां जोन बनाया गया है वो बनाया गया है फ्रेंड दक्षिण तट रेलवे। कौन सा बनाया गया है? दक्षिण तट रेलवे। यदि हम इसको इंग्लिश में कहेंगे तो साउथ कोस्ट रेलवे। तो कौन सा 18वां जोन बनाया गया है रेलवे का? दक्षिण तट रेलवे, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे साउथ कोस्ट रेलवे, जो जोन बनाया गया है। इसका जो मुख्यालय बनाया गया है दोस्तों, जो ये आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वो इसका मुख्यालय बनाया गया है। तो 18वां जोन कौन सा बनाया रेलवे का, जिसका नाम क्या है? दक्षिण तट रेलवे। और इसका मुख्यालय क्या कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है, जहाँ पर फ्रेंड्स जहाज़ों का निर्माण होता है, वो बनाया गया है। फ्रेंड्स, जो 1971 का युद्ध हुआ था, जो गाजी अटैक हुआ, भारत ने जो गाजी पनडुब्बी थी इसकी, पाकिस्तान की, वो पनडुब्बी एक्चुअल में इसी को क्षति पहुंचाना चाहती थी, विशाखापट्टनम को, क्योंकि विशाखापट्टनम भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है और वहाँ पे जहाज़ों का निर्माण होता है। और इस जोन के लिए काफ़ी समय पहले से मांग की जा रही थी। तो फ्रेंड्स, एक नया जोन बना है दक्षिण तट रेलवे, और इसका मुख्यालय होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।